सरबत खालसा द्वारा बनाई गई श्री कालता साहब के जथेदार ध्यान सिंह मंड ने आज श्री मुक्तसर साहब के गांव सराय नागा में गुरुद्वारा दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव में गुरु ग्रंथी रागी पाठी और ढाटी जत्थे को आने वाली मुश्किलों के संबंध में जिला भर के लोगों के साथ सुनामी मीटिंग की, जिसमें तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल और जथेदार अमरीक सिंह अजनाला शामिल हुए। इस मीटिंग में आए हुए ग्रंथी रागी तथा पार्टियों ने इस समय में आ रही मुश्किल के बारे में जानकारी दी और अपने विचार जथेदारों के समक्ष रखे। मुक्तसर से अशफाक ढुड्डी। अज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा यह है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरद्वारा साहब का प्रबंध जिहड़ा सही तरीके दे नाल नहीं संभालिया, प्रबंध दे विच बहुत वड्डियां खामियां आ गई ने, प्रबंध के उत्ते उंगलां उठन लग पईआं ने, प्रबंध शक्की हो गया, जिस करके साडा जिहड़ा नौजवान सी जिन्हें सिखी दे लड़ लगना सी वो अज किराए पै गया तो नशियां दा आदि हो गया। तो अज साडी जिहड़ी खास करके सिख नौजवानी है वो 65% नशियां दे विच डुब गई है, तो बड़ा खतरनाक नशा उन्होंने शुरू कर लिया जिहड़ा सीधा मौत नूं सद्दा दिंदा है। ये साडे वास्ते, कौम वास्ते, पंथ वास्ते, मैं कहना समुचे पंजाब दे वास्ते ये बड़ी एक खतरे की घंटी है। बेशक जिहड़ियां चोणां लड़न वाली पार्टियां उन्होंने ये बारे गल्लांबात कीतियां, पर किसी ने भी इहदी रोकथाम करन दी कोशिश नहीं कीती। और दूजा ये आ कि असीं सारे धर्मां दा सत्कार करदे आ, असीं गीता बाइबल कुरान सारिआं नूं असीं कहिंदे आ वी सारे सेध दे रहे आ, सच बोल रहे ने, और समें समें जदों किसे ते भीड़ पई असीं दूसरे धर्मां वास्ते कुरबानी भी कीती, पर सानूं बड़ा अफसोस आ, सानूं बड़ा गिला है बई सिखां ने आज़ादी दे विच वी बड़ा हिस्सा पाया है, ते सब तो वध कुरबानियां दित्तियां ने जदों भारत आज़ाद होया है, पर साडे श्री दरबार साहब दे उत्ते ये फौजी हमला क्यों करता इहदा जवाब सानू अजे तक नहीं दिता, ना किसी पार्लीमेंट दे विच किसी भी सरकार ने इहदा सोग मता पाया, ना माफ़ी मंगी, ना अपनी गलती मनी। पर हुण जदों असीं बिल्कुल शांत हाँ, असीं सरबत दा भला मंगदे आ, अज साडे गुरू ग्रंथ साहब दे उत्ते हमला करता, अज गुरू ग्रंथ साहब दी थां थां ते बेअदबी हो रही, पिछली सरकार दे विच वी होई, इस सरकार दे विच वी हो रही आ, 200 तो वध वार गुरू ग्रंथ साहब दी ते बाणी दी बेअदबी हो गई, एक भी थां दे उत्ते दोषी नहीं फड़िया गया, सानू इंसाफ नहीं दिता, साडे जख्मां दे उत्ते मलम नहीं लाई, और जिहड़े वादे कीते सी अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब दी सौहां खा के अज सब भुल गए ने, ते सानू नहीं उम्मीद कि कोई भी सरकार इस मसले का हल कढ़ूगी। इस लई असी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी रोकण वास्ते असी अपनी कौम नू सुचेत कर रहे हैं, असी उन्नू स्टैंड कर रहे हैं, जिस विच असी गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर के तहत सब तो पहला असी ग्रंथी सिंह नू अपने पास बुलाया, असी उहदे कोल जा रहे हैं, जिला वाइज मीटिंगां कर रहे हैं, और उन्हों नाल तोरन तो पहला पुछ रहे हैं बई तैनू गुरु ग्रंथ साहब की सेवा पिंड विच जां शहर विच निभाउंदियां किहड़ियां मुश्किलां आ रही ने, तू सानू पहला अपनियां मुश्किलां दस, असी तेरियां मुश्किलां दा हल कढीए, तां कि तू गुरु ग्रंथ साहब की सेवा दे वास्ते तैयार पर तैयार रहे, जिहड़ा भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन वास्ते आवे तो तू रोकण वास्ते उहदा पहरेदार दे।